अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई नेम इज़ कामना नली, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्राम लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला। लास्ट लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का सब्जेक्ट, जिसमें हमने चंद चीज़ों को देखा था, जिसमें आ जाता है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज मज़ीद उसके साथ कुछ और हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार ये पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको इंतहाई अच्छे से समझ लें और ज़हनशीन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो बार बार आपका पेपर में पूछ रहा है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर जो कि मैं लास्ट लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या था? प्रोग्राम। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स हदायत दी जाती हैं, वो हदायत उस सॉफ्टवेयर में लिखी जाती हैं जिन हदायत पर आपका कंप्यूटर अमल करता है, और फिर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके कंप्यूटर में, इट मीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और फिर वो जैसा उसमें से काम का उसको कहा गया होता है कि वैसे वैसे काम आपने करना है, वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देता है। सॉफ्टवेयर को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम जो कि नाम से ही अपने आप को जाहिर कर रहा है, जब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिंपल सी डेफिनेशन है सच सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड आर जनरेटेड टू कंट्रोल आर मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं। सच सॉफ्टवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड, जो बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं टू कंट्रोल, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए द कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ओनली तमाम जो भी सॉफ्टवेयर का मंबा होता है वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में इकट्ठा कर दिया जाता है। लाइक हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में आपका आ जाता है सबसे पहले जिसको आप नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसकी एग्जांपल है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स और थर्ड वन है जी डिवाइस
ड्राइवर, ये तीनों क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं किसकी? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट रन और डू एनीथिंग। इसका दूसरा नाम विंडोज भी रखा जाता है। उसके बाद उसने बात की है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हों, इस कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। लास्ट पर उसने लिखा है जी डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस मींस वो हार्डवेयर की बात कर रहा है। आगे क्या लिख रहा है? ड्राइवर। ये बिल्कुल सिंपल सा वो ये डिफाइन आपको करना चाह रहा है डिवाइस ड्राइवर, कि कोई भी डिवाइस अगर रन हो रही है तो वो हो रही है आपकी ड्राइवर के साथ। इट मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, उस स्पेसिफिक डिवाइस को रन करता हो, स्मूथली चलाता हो, इस कॉल्ड आ डिवाइस ड्राइवर। ये ऐसे कह लें कि अगर हम इरादा करते हैं, सब लोग क्या करने जा रहे हैं, हम नारान का गान ट्रिप पर जा रहे हैं, और जब हम ट्रिप पर जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कन्वेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जब कन्वेंस हम अपनी ले लेते हैं, लेने के बाद हम तमाम के तमाम लोग उसमें क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो अचानक से हमको पता चले कि वहाँ से ड्राइवर क्या हुआ है जी, गायब हो चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा वो ट्रिप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विदाउट ड्राइवर डिवाइस कैन नॉट बी रन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से ही जाहिर हो रहा है एप्लीकेशन, इट मीन्स दरख्वास्त की जा रही है कि फलां फलां चीज़ को आप क्या करें, रन करें। उसने बात की है जिसे डेफिनेशन की, सच सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस रन ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करते हैं सच सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये ऐसा प्रोग्राम जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी स्पेसिफिक डिज़ायर को पूरा कर रहा हो, वो क्या करें, आप रन करें। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं उनको नाम दिया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है जी कस्टमाइज, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वेरी सिंपल वे, कस्टमाइज, कस्टमाइज का मतलब होता है अपने मुताबिक, अपने मुताबिक से मुराद
कि आपकी अपनी क्या डिज़ायर है, आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिक उस ऑर्गेनाइजेशन उस इंडिविजुअल बंदे से मुंसलिक हो, इज कॉल्ड अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यानी सच सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल आर ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल द डिजायर्ड दैट फुलफिल द डिजायर ऑफ द यूजर इज कॉल्ड अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जब भी हम बात करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, सच सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड, यानी उनको जनरेट किया जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल यहाँ पर पर्सनल की बात वो कर रहा है, मीन्स मैं अपने लिए, आप अपने लिए, या कोई भी अपने लिए कोई चीज़ बनवाता है। इंडिविजुअल के बाद वो इनफरादी बात कर रहा है, इनफरादी के साथ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हम लावी इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैं किसी गारमेंट्स कंपनी की बात कर लेता हूँ या किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लेता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल द डिज़ायर्ड ऑफ द यूज़र, यानी उस यूज़र की डिज़ायर को मद्देनज़र रखते हुए जो सॉफ्टवेयर आपका क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, इज कॉल्ड अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सिंपल इसको क्या कहा जाता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे लावी इंस्टीट्यूट, या फिर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, कामरान अली वेबसाइट और कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर की। पैकेज सॉफ्टवेयर से मुराद सच सॉफ्टवेयर्स दैट आर क्रिएटेड आर जनरेटेड फॉर द जनरल पब्लिक, यानी आम लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर मुरतब किया जाता है, बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर से मुराद मैं आपको और मज़ीद आसान करके बता देता हूँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कस्टमाइज़ की, कस्टमाइज़ के अंदर ये होता है कि सिर्फ किसी बेसिक, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है जिस सॉफ्टवेयर में, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है, और जिसमें किसी स्पेसिफिक बंदे की या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जाता, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी उसको इस्तेमाल करने वाला है उस सॉफ्टवेयर को, उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको नाम दिया जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर का। पैकेज सॉफ्टवेयर में सच सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड आर जनरेटेड फॉर द जनरल पब्लिक, यानी के आम लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। जैसे कि एमएस ऑफिस की बात कर लिया, अब आप इससे तो फेमिलियर होंगे,
एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड की डॉक्यूमेंट, जिसमें एक्सेल की डॉक्यूमेंट, जिसमें पावर पॉइंट वगैरह या डेटाबेस, ये तमाम की तमाम फाइल्स किस में क्रिएट की जाती हैं? एमएस ऑफिस में की जाती हैं। आप बात कर रहे हैं जी कोरल ड्रा की, आप बात कर रहे हैं फोटोशॉप की। तो ये फोटोशॉप, तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर, जिनकी कीमत बहुत ही कम होती है। और आप अगर बात करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए वो हाईली पेड, इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा पैसे उसमें देने पड़ते हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर की, तो पैकेज सॉफ्टवेयर में आप जनरल पब्लिक के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं वो लाइक एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, फोटोशॉप एंड वीएलसी प्लेयर, ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पैकेज सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अगर फिर भी कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ चुकी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।